दोस्तों आज का विषय है कि किसी भी फ्लावर शो में आप जाइएगा, देखिएगा कि डालिया जो होता है जाइंट साइज का, वो एक ही प्लांट में एक ही फ्लावर होते हैं और उसका साइज बहुत ही बड़े साइज का होता है। हालांकि उसी पौधे को आप जब घर में उगाते हैं तो नीचे से बहुत सारा बांटेस निकलते हैं और उसमें भी बाद में फूल आते हैं बड़े फूल के नीचे, लेकिन फ्लावर शो में एक ही फूल होते हैं एक ही प्लांट में, वो भी बिग साइज का होता है। इसका कारण क्या है उसके विषय में हम लोग आज बात करेंगे। हालांकि दोस्तों डालिया का और भी एक पॉम्पोन वैरायटी आते हैं, वो बहुत रेयर है, उसमें क्रिसैंथेमम की तरह ही छोटे छोटे फूल होते हैं। उस विषय में हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ जो जायंट बड़े साइज का फ्लावर है उसके विषय में बात करेंगे। देखिए मेरा भी एक दूसरा प्लांट है जिसके ऊपर से दो तीन नए नए छोटे छोटे फूल है, मतलब कि इसका जो एक्सियल्स ब्रांचेस है बड़े फूल के नीचे मैंने उसको नहीं काटे थे। ये व्हाइट कलर का है, इसका भी मैं साइड का जो ब्रांचेस है उसको नहीं काटे थे। और लेकिन ये फ्लावर सबसे बड़े है और इसका देखिए कोई भी ब्रांचेस नहीं है, इसलिए मैं ब्रांच काट के और ब्रांच नहीं काट के दोनों का ही अंतर आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों ये एक सीरीज़ चल रहा है विंटर गार्डन सीरीज़, अगर आपने पिछला पार्ट को नहीं देखा तो देख लीजिए, उसमें बहुत सारे आपको टिप्स मिलेंगे जो कि इसी का नतीजा है। देखिए दोस्तों वही जो बड़े फ्लावर मैंने आपको दिखाया, देखिए उसका पहला का ये वीडियो देखिए, एक्सियल ब्रांचेस नीचे से हम लोग कुछ एपिसोड पहले ही काट दिए थे। और देखिए ठीक जो बड़े फ्लावर बड्स है उसके नीचे से जो ब्रांचेस है मैं उसको भी अभी काटने वाला हूँ। हालांकि वो ब्रांच निकलने के तुरंत बाद ही आपको काट देना था, इतना बड़े होने का टाइम नहीं देना था, फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए उसको थोड़ा बड़े किए। और ये जो व्हाइट फ्लावर आपने देखा अभी तक जिसके बहुत सारा बड्स थे उसको हम लोग ब्रांचेस को नहीं काटेंगे। तो काटने के बाद क्या होता है वो बिग फ्लावर का और जो व्हाइट को नहीं काटे थे उसके बाद भी इसका क्या होने वाला है जो कि पहले आप देख चुके हैं, हम लोग इसके बाद देखेंगे। देखिए इसको काट दिया और साइड का ब्रांचेस काट दिया, हालांकि और भी नीचे के जो ब्रांचेस थे एक्सियल ब्रांचेस वो पहले एपिसोड में हम लोग काट दिए थे। एज ए फर्टिलाइज़र बहुत कुछ पोटिंग मिक्स के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, लेकिन अभी बात करेंगे कि उसके बाद भी आपको बड़े करने के लिए क्या क्या करना है। देखिए सारा का सारा इसका ब्रांचेस मैं काट दिया, हालांकि उसमें फ्लावर थे उसमें भी आपको फ्लावर मिल जाते, लेकिन मैंने जो राइट वाला प्लांट है जो जो वीडियो के शुरुआत में आपने देखे थे उसमें काट दे, देखिए उसी का ये नतीजा है, उसी को जिसको काट दिए थे हम लोग। देखिए दोनों हाथ के आप अंदाज़ा लगाइए कितना होगा इसका साइज़, देखिए दोस्तों। और जो व्हाइट जिसको मैंने काटे नहीं थे, देखिए उसके चारों तरफ से बहुत सारा बड्स है लेकिन जो बीच का क्राउन पोर्शन है उस फ्लावर को वो खिलने नहीं दे रहा है। तो मतलब कि इसका भी देखिए, ये दूसरा मेरा प्लांट है जिसको भी मैंने ब्रांचेस को नहीं काटे थे, साइड में दूसरा फूल दिखाई दे रहा है, इसका भी साइज़ है लेकिन थोड़ा छोटे है। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको बिग साइज़ का फ्लावर करना है तो आपको ब्रांचेस को काटना है, अगर आप चाहे तो नहीं आपको बहुत सारा फूल लेना है तो इस तरह जो वाइट फ्लावर है आप मत काटिए तो इस तरह दिखेगा, लेकिन आपका जो मेन क्राउन वाला फ्लावर है उसका ब्यूटी आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा, इस तरह एक कॉन्ट्रास्ट लगेगा, एक क्लस्टर लगेगा। इसलिए अगर आप किसी भी फ्लावर शो में देना चाहते हैं या तो चाहते हैं कि आपका फ्लावर बहुत बिग बने तो आपको ब्रांचेस को इस तरह से काट देना है। और इसका जो आगे वाला पार्ट है वो पार्ट भी आप देख लीजिए कि प्लांट को इस तरह जगह में लाने के लिए आपको क्या क्या पॉटिंग मिक्स देना है, क्या क्या फर्टिलाइज़र देना है, उसके बाद सब कुछ करने के बाद आपको ये सब ब्रांचेस वाला काम करना है। हालांकि वीडियो बहुत छोटे हैं लेकिन अगर आपने पहला वीडियो देख चुका है तो आपको पता होगा कि डालिया को बड़े करने के लिए कौन सा प्रिकॉशन आपको लेना है। दोस्तों पिछले एक साल से बॉन्साई के ऊपर मैं बहुत काम कर रहा हूँ जिसका वीडियो मैं विंटर गार्डन के दौरान अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत जल्द मैं उनको अपलोड करने वाला हूँ, आप लोग चैनल पर नज़र रखिएगा। आज के लिए यही तक, फिर मिलेंगे कोई नए वीडियो के साथ।